सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज खुशी शर्मा एंड यू आर वाचिंग दी खुशी शर्मा चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिलनेट रैक आखिर है क्या और आप उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हो, या फिर ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे काम करके आप 30 से 40 हजार रुपए महीना या फिर उससे ज्यादा कैसे कमा सकते हो। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक बिजनेस है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ना कि कोई जॉब है। और ऑनलाइन के जमाने में आपको फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलेगी, और पहली बात तो विदाउट स्किल जॉब भी नहीं मिलेगी। आपको ही पता है ऑफलाइन कितनी कमी चल रही है अभी जॉब। जब ऑफलाइन ही नहीं है तो आप ऑनलाइन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक जॉब मिलने वाली है। तो जो भी अभी चल रहा है, अभी आने वाले 10 साल इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप के ही है, और ये बिजनेस है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले मैं एक ना डिजिटल प्रोडक्ट और एक फिजिकल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और वो कैसे करी जाती है। अब ये जो आपका बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हमें उस पर कमीशन आता है पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। अब वो कैसे होता है, जैसे आप बाहर गए, आप मेडिकल शॉप पे चले गए, आपने मेडिकल शॉप पे जाके एक मेडिसिन ले ली एक पर्सन ने, ठीक है। आपने मेडिसिन ले ली क्योंकि आपको मेडिसिन की नीड थी, और उस पर्सन को उसका प्रॉफिट मिल गया उस मेडिसिन की, ठीक है। तो वो ऑफलाइन सेलिंग जिसको हम कहते हैं, वैसे ही ऑनलाइन इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑफलाइन सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में, वो ये है कि वहां पे जो दुकानदारों को कमीशन मिलती है वो 1% 2% की मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको कमीशन मिलती है वो 90 से 98% तक की मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, 90 से 98% की मिलती है। और वो क्यों मिलती है और उनको क्यों नहीं मिलती है वो भी मैं बता देती हूँ। उनको इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप अलग मेडिसिन लेके जाओगे, हर बंदा अलग प्रोडक्ट लेके जाएगा अपने लिए, राइट। बट जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको सिर्फ एक ही बार बनाने की जरूरत है, वो लाखों करोड़ लोगों तक जा सकते हैं। जैसे अमेजन प्राइम वीडियो पे एक वेब सीरीज आई, लाखों लोग हर महीने सब्सक्राइब करते हैं, है ना। हर बंदा अलग पैसे देता है, बट प्रोडक्ट तो सबको एक ही मिलता है, एक ही वेब सीरीज मिलती है देखने को। कोर्सेज एक बार बन जाते हैं तो उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो डिजिटल प्रोडक्ट पे कमीशन आपको मिलती है वो 90 से 98% की मिलती है। अब हम पॉइंट की बात आते हैं कि मैम अर्निंग कैसे होती है। अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग के दो तरीके हैं। पहले तो आप कोर्सेज से सीख के अर्निंग करो, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसे स्किल्स सीख के आप अर्निंग कर सकते हो। बाकी जो 90% लोग हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही अर्न करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा एक कोर्स, 3 कोर्सेज है स्पेसिफिकली, गोल्ड, सिल्वर एंड इलाइट। गोल्ड का जो प्राइस रहता है वो 4,130 रुपीज रहता है विद GST, जो जिसमें आपको 3,000 पर परसेंट की कमीशन मिलती है जो भी आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता है उस कोर्स के साथ। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बिजनेस मार्केटिंग क्या होती है कि अगर मैं आपको बिजनेस समझा रही हूँ, आप किसी और पर्सन को बिजनेस समझा रहे हो, ठीक है, मैं इस प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से आपको मार्केटिंग बता रही हूँ। मैं आपको बिजनेस समझा रही हूँ, आप किसी बंदे को बिजनेस समझा रहे हो, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, तो आपको कमीशन मिलती है, ठीक है। बेसिकली अच्छा आप मेरे को बताओ, आप किसी पर्सन के पास कोर्स लेके जाओगे कि भाई मेरा कोर्स ले लो प्लीज, इसमें आपको ये मिलेगा, ये ले लो प्लीज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेलिंग, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रमोटिंग एंड सेलिंग, जो काफी लोगों को यहाँ पे लगता है कि हमें क्या कोर्स बेचने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप पूरा का पूरा बिजनेस प्रमोट करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आपके पास जब यूट्यूब पर करोड़ों रुपए का ज्ञान है, लोग फ्री में वो भी नहीं लेना चाहते, कोई पर्सन आपसे कोर्स क्यों लेगा। या तो उस कोर्स में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए या फिर उस कोर्स के साथ आपको कुछ मिलना चाहिए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हो। मार्केटिंग वही होती है जैसे मैंने आपको बिजनेस समझाया, आप किसी और पर्सन को बिजनेस समझा रहे हो, आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कमीशन आती है। तो गोल्ड पे आपको 3,000 पर पर्सन की कमीशन आती है जो भी पर्सन आपके साथ गोल्ड से ज्वाइन करता है, ठीक है। अब मिनिमम में लगा लेते हैं, मंथ में आपके साथ 10 लोग गोल्ड से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी कमीशन कितनी बनी, 3,000 × 10, 30,000 रुपीज, सिंपल। तो 30,000 रुपीज का तो मैंने आपको यही बता दिया, और 10 लोग तो बहुत ही छोटी बात होती है, लोगों के साथ एक एक दिन में भी ज्वाइन हो जाते हैं। दैट इज द थिंग कि बस आपको थोड़ी सी मार्केटिंग की स्किल आनी चाहिए, ठीक है। अब सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का प्राइस 2,300 का रहता है एंड उसमें आपको 1,650 रुपीज 1% पे कमीशन आती है जो भी आपके साथ बिजनेस सिल्वर कोर्स से ज्वाइन करता है। अब 20 लोग लगा लो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं सिल्वर कोर्स से, तो आपकी कितनी इनकम बनी, अराउंड 30,000-35,000 रुपीज, राइट। तो अगर एक और कोर्स है हमारे पास, ईलाइट वाला कोर्स, बट वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ किसी को भी लेने के लिए, जो 600 रुपीज का होता है उसमें आपको 400 की ही कमीशन आती है 1% के ऊपर। प्लस इसके अंदर आपको एक और कमीशन होती है कि जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम, जिसमें आप काम नहीं भी करते तो भी पैसे आते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, काम नहीं करते तब भी पैसे आते हैं। अब वो कैसे होता है कि एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो गया, उससे आपको कमीशन तो आ गई 3,000, 1,650 या फिर 400 रुपए, उसके बाद जब वो किसी और पर्सन को ज्वाइन कराएगा तब भी आपको उससे कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ इनकम मिलेगा। अगर वो गोल्ड वाला पर्सन किसी ने गोल्ड से ज्वाइन कराया तो आपको 400 रुपीज ज्यादा पैसिव इनकम आती है, सिल्वर से कराएगा तो आपको 250 रुपीज ज्यादा पैसिव इनकम आती है, और ईलाइट से अगर वो पर्सन किसी और को ज्वाइन कराता है जो आपके डाउन में है पर्सन, तो आपको 100 रुपीज ज्यादा पैसिव इनकम आती है। नाउ द थिंग कम्स इज कि अब लोग बोलेंगे कि मैम देखो हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, हम कैसे किसी को ज्वाइन कराएंगे और लोग हमारी बात सुनेंगे भी क्यों, मैं कैसे मार्केटिंग करूंगा मैम, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो उसके लिए हमारे पास 7 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें आपको सोशल मीडिया पे काम करना सिखाया जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कैसे आपको काम करना है, कैसे आपके पास ऑडियंस आएगी और
कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, सारी चीज सिखाएंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को करीब करीब एक साल हो गया इस फील्ड के अंदर, ठीक है, और मेरी 10.5 लाख की इनकम है एफिलिएट मार्केटिंग से। यस, एक साल पहले मैंने भी जीरो से ही शुरू करा था, मुझे मेरी भी अर्निंग जीरो थी, ठीक है, मैंने भी कोर्स लेके ही शुरुआत करी थी और मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी सीखा था, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरी एज ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 साल है अभी, और मेरे नीचे करीब करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स की अर्निंग अभी 1-1 लाख भी क्रॉस हुई है करीब करीब, तो आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल। एंड सिंपल सी बात है, अब मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया, कमीशन के बारे में बता दिया, आपको यहाँ सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है सोशल मीडिया पे काम, वो भी आपको मैंने बता दिया। अब शुरुआत अगर आपको करनी है तो किसी ना किसी कोर्स से करनी होगी। अब वो कौन सा कोर्स होगा मैं आपको बता दी। अब कई लोग सोचेंगे कि यार ईलाइट वाला ले लेते हैं, सस्ता भी है, ठीक है, और अच्छा भी रहेगा, ठीक है, ज्यादा पैसों का भी नहीं है, सस्ता है तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे बड़ी गलती अगर आप करोगे, अगर आप ईलाइट कोर्स ये सोच के लोगे कि सस्ता है, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ, नहीं। जितने भी टॉप ट्रेडर्स बैठे हैं, या तो उन्होंने गोल्ड से शुरू करा था या तो उन्होंने सिल्वर से शुरू करा था, मोस्टली गोल्ड से ही करते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, दो रीजन है सबसे बड़े। पहला रीजन ये है कि गोल्ड में जो कमीशन रहती है वो 3000 रहती है, और करीब करीब 400 रुपए से तो 10 गुना ज्यादा कमीशन रहती है, ठीक है। और सिल्वर में जो कमीशन रहती है वो 1650 की रहती है, वो भी 4 से 5 गुना ज्यादा रहती है ईलाइट वाले कोर्स से। तो अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो या तो गोल्ड से करना, या फिर अगर आप गोल्ड कोर्स अफोर्ड नहीं करते तो सिल्वर से जरूर शुरुआत करना। आपको ए टू जेड यहाँ पे सब चीजें सिखाई जाएगी सोशल मीडिया पे। एक नॉर्मल पर्सन इजीली 30-40,000 जिससे कमा सकता है, और मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करूंगी कि कैसे आपको काम करना है सोशल मीडिया पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है आप उसके पास जा सकते हैं, ज्वाइनिंग का लिंक ले सकते हैं, एंड आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर माइंड में ये चीज है ना कि हम बाद में कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है, अभी तो मैम पैसे ही नहीं है, तो देखो भाई अगर आप आज ये बोलते हो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आपने आज ये बोला तो कल भी आपको यही बोलना पड़ेगा कि मैम पैसे नहीं है। बट अगर आज आप काम शुरू करते हो, आज काम इसलिए करना है ताकि कल ये ना बोलना पड़े कि पैसे नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर कोई डाउट वगैरह है तो उसके बाद हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।